What's up everyone, welcome back to the channel. Guys, this is day 39 of our 100 days commerce pro series. और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और शानदार नया चैप्टर जिसका नाम है GST. तो अकाउंट्स में बच्चों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, सर GST में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे एंट्रीज हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं. तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, एक एक चीज़ को कवर करेंगे और GST को अच्छे तरीके से 2-3 पार्ट्स में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा. आज बेसिक्स करते हैं, कल एंट्रीज करेंगे, परसों और क्वेश्चंस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. तो जाओ जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, शुरू करते हैं और सिलेबस को बस ऑलमोस्ट अकाउंटेंसी सिलेबस हाफ ईयरली तक का खत्म ही है, एंड करते हैं. लेट्स बिगिन. चलो यार मेरे साथ साथ सबको हेडिंग डालना है GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या? मैं सबसे पहले इसके थ्योरी पोर्शन पे चलूंगा ताकि मैं आपको इसके बेसिक समझा पाऊं. मेरा पैटर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर यही रहा है. मेरे टीचर्स मुझे कहा करते थे कि बच्चे बेसिक्स जिसको समझ में आ गया ना उसको सब समझ में आ गया. तो नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है. देखो गुड्स समझते हो, सर्विसेज समझते हो, टैक्स समझते हो. सबसे पहले टैक्स से शुरू करते हैं. सर ये टैक्स क्या है? तो टैक्स बच्चों एक कंपलसरी पेमेंट होता है. हाँ कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है कि मन करा दे देना, नहीं मन किया तो मत देना. एक कंपलसरी पेमेंट जो हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, गवर्नमेंट का देना होता है, जिसके बदले में हम कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट ना करें. सरकार ऐसा बोलती है कि टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट एंड यू नीड नॉट टू एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा. हाँ मिलेगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना कि डायरेक्टली आपको मिलेगा. ठीक है, तो अब टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं? सर हमारे देश में बच्चों दो तरीके के मेन प्रोमिनेंट टैक्सेस हैं जो देखने को मिलते हैं. कौन कौन से? कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? देखो बच्चों सबसे पहले जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इंडिविजुअल्स पे लगते हैं और कंपनीज पे लगते हैं, इनकी इनकम पे और इनकी प्रॉपर्टी पे. इसका मतलब कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी इनकम पे कोई टैक्स लग रहा है तो उसको मैं डायरेक्ट टैक्स कंसिडर करूंगा. ठीक है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस बच्चों गुड्स पे लगते हैं और सर्विसेज पे लगते हैं. यानी आप कोई माल बना रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, माल बेच रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा. तो गुड्स पे और सर्विसेज पे जो टैक्स लगेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. जो इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे लगेंगे इनकम और प्रॉपर्टी पे, वो कौन से होंगे हमारे पास? डायरेक्ट टैक्सेस. अब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड. जो बच्चों डायरेक्ट टैक्स है इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते. जैसे मेरी इनकम का जो टैक्स है वो मुझे ही भरना है, मैं किसी और को नहीं बोल सकता कि भैया आप मेरा इनकम टैक्स भर दो. अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे कोई पैसा कमाया है तो वो मुझे ही उस पर टैक्स देना है, मैं किसी और को नहीं बोल सकता. लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं ये माइक बाय करके लाया, ठीक है, इस माइक की टोटल कॉस्ट जो है वो लगभग 30,000 रुपीज है. लगभग कितना? 30,000 रुपये. और जब मेरे हाथ में बिल आया तो मैंने देखा कि 30,000 रुपीज तो उसमें कॉस्ट प्राइस था, फिर उस पर 18% GST लगा हुआ था. ठीक है, 18% क्या लगा हुआ था? GST. सर कितना GST लगा? तो 30,000 का 18% कर लो यार. अब तुम लोग, मैं मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा, 18 × 2 कितना हो जाएगा? 36 और 54, तो 5,400 रुपये का GST लग गया.
और 35,400 का टोटल बिल बन गया। अब ये जो 5400 का जीएसटी बच्चों मुझे पे करना पड़ा, यानी जब मैंने ये माइक खरीदा तो मैंने इस माइक का पैसा भी दिया और मैंने जीएसटी का पैसा भी दिया, तो टोटल जो मुझे 35,400 पे करना पड़ा, जिसमें 5,400 का ये जीएसटी है, ये जीएसटी सरकार ने सेलर पे लगाया था। किस पे लगाया था? सेलर पे, कि भैया आप माल बेच रहे हो, आपको एक सेल्स टैक्स देना है क्योंकि सामान आप बेच रहे हो। तो सेलर ने क्या किया, ठीक है दे देंगे। उस सेलर ने क्या किया, वो मेरे बिल में जोड़ा और कस्टमर से ले लिया। आप पानी की बोतल भी लेके आते हो, लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कोई चॉकलेट लेके आते हो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, पिज्जा खाने जाते हो, बर्गर खाने जाते हो, कुछ भी, सब पे टैक्स दे के आ रहे हो ना, हर घर तक टैक्स जा रहा है ना, वो तो वो बेसिकली सेल्स टैक्स था जो सेलर ने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो क्या बर्डन सेलर ने अपने ऊपर से हटा के कस्टमर पे डाल दिया? तो जिस पर्टिकुलर टैक्स का बर्डन, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड, जिसका शिफ्ट हो जाए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे बच्चों? पहले सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, VAT मतलब वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो मूवी पिक्चर पे लगा करता था, ये मल्टीपल टैक्सेस होते थे। बट अभी सरकार ने मल्टीपल टैक्सेस खत्म कर दिए और एक ही टैक्स, वन नेशन वन टैक्स ले आया जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बच्चों। यहां तक का स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, हम समझ गए। अब हम ये भी समझ गए सर, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब जो जीएसटी है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। दो तरीके से हमें जीएसटी देखने को मिलता है, दो तरीके से। कैसे? सबसे पहले जब आप कुछ बाय करोगे, इफ यू आर अ बायर एंड इफ यू आर अ सेलर, आप बायर हो या आप सेलर हो, अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो बच्चों, तो यू हैव टू पे फॉर गुड्स, आपने जो खरीदा है उसका पैसा भी देना है, एज वेल एज जीएसटी। आप गुड्स के भी पैसे दोगे, आप जीएसटी के भी पैसे दोगे, और ये जो जीएसटी है ये सरकार को सेलर ही जमा करेगा, है ना। तो ये जो जीएसटी है जो आपने एज अ बायर पे करा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनपुट जीएसटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और जब आप सेलर हो तो यू विल रिसीव, अगर आप सेलर हो तो आप रिसीव करोगे अमाउंट फॉर गुड्स प्लस जीएसटी। अगर मैं सेलर हूं, मैं कुछ बेचता हूं, तो मैं अपने कस्टमर से गुड्स का पैसा भी लूंगा, मैं जीएसटी का पैसा भी लूंगा, राइट। अब ये जो जीएसटी है इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। तो ध्यान रखना, अगर आप बायर हो और आप जीएसटी भरते हो तो उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और अगर आप सेलर हो और आप जीएसटी रिसीव कर रहे हो तो उसको आप आउटपुट जीएसटी बोलते हो। अल्टीमेटली सरकार को आप ही को देना है, है ना। अब देखो बच्चों, ये इनपुट और आउटपुट है क्या, इन्हें अलग अलग क्यों किया गया है? आप ये समझो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है। सपोज मैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, तो मेरे ऊपर सरकार ने कितना जीएसटी लगाया हुआ है? 18% कि आप कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, आप कोई भी सर्विस प्रोड्यूस करते हो तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना है। मैंने कहा ठीक है गवर्नमेंट जी, दे देंगे, मुझे तो कस्टमर से ही लेना है, मैं लेके दे दूंगा। अब होता क्या है बाबू, मैं अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल चीज़ें खरीदता हूँ। देखो, अगर मुझे पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मुझे कैमरा चाहिए, मुझे माइक चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट वाइट मैं सब खरीद के लाता हूँ। तो मैं अपनी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा खर्चा करता हूँ। इस खर्चे में मैं ऑलरेडी इनपुट टैक्स दे चुका हूँ। लेट सपोज मैं कैमरा लाया, मैं लाया कैमरा, मैं लाया माइक,
मैं लाया इलेक्ट्रिसिटी का सामान, इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, उसके साथ साथ मैं प्रिंटर अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, मुझे ज़रूरत पड़ती है बार बार नोट्स वोट्स बनाने के लिए एट्सेट्रा। तो मैंने कई बार GST भरा है जिसकी कॉस्ट आ रही है, मतलब जिस GST की अमाउंट आ रही है 40,000 रुपये, मैंने 40,000 रुपये का ये GST भरा है, ऑलरेडी भरा है अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। अब मैंने पढ़ाना शुरू करा तो मैंने अपनी फीस रिसीव करी। अब जब मैंने फीस रिसीव करी, सरकार बोलता है कोई भी पैसा रिसीव करोगे आप सर्विस प्रोवाइडर हो टैक्स तो लगेगा, तो मैंने GST जो रिसीव करा वो रिसीव करा 50,000 रुपये, ये मैंने GST रिसीव करा, ये मेरा कौन सा GST हो गया, आउटपुट। जब मैं पढ़ाऊंगा सर्विसेज दूंगा तो पैसे मिलेंगे मुझे, पैसे मिलेंगे तो मैं GST भी लूंगा, क्योंकि कोई भी पैसा मेरे अकाउंट में आएगा तो सरकार बोलती है विद GST आना चाहिए, है ना। तो मेरे पास टोटल GST मैंने कलेक्ट कितना किया, 50। अब पहले क्या होता था बच्चों, पहले सरकार हमारे से यहाँ पे भी टैक्स ले लेती थी कि हमने कुछ सामान खरीदा है उस पर भी टैक्स भरो, फिर जब आप सामान बेच रहे हो उस पर भी टैक्स भरो, डबल टैक्स हो जाता था। अभी GST में ऐसा नहीं होता। GST में क्या होता है, मैं सरकार को बोलूंगा भैया देखो मैंने 50,000 रुपये का टैक्स रिसीव करा है, जब मैंने अपनी सर्विसेज दी या मैंने कोई माल बेचा तो 50,000 रुपये का मैंने टैक्स रिसीव करा, लेकिन इस सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जब मुझे सामान की जरूरत थी, अगर ये मेरे पास जो सामान नहीं होता तो मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था। तो ये सर्विस जो मैंने दी है या जो गुड्स मैंने बेचे हैं, इसको बनाने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत थी जिसपे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ। कितना टैक्स दे चुका हूँ, 40,000 का टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा भैया मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना बनता है, 50। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना बनता है, 50। बट मैं 40 ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि ये सामान भी तो इसी के लिए है, अगर ये सामान ना हो तो ये कहाँ से सर्विस प्रोड्यूस करूंगा मैं। तो जो टैक्स मैं दे चुका हूँ वो मैं अब पे नहीं करूंगा, तो मैं 50 में से 40 माइनस करूंगा और जो नेट वैल्यू आएगा 10,000 वो मैं टैक्स पे करूंगा। तो ये जो बच्चों मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ, ये जो मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेट ऑफ मैकेनिज्म, और इसका हम लोग कई बार ITC के नाम से भी जानते हैं, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट टैक्स है जो आपने एज अ बायर, क्योंकि हो तो आप सर्विस प्रोवाइडर या आप दुकानदार हो बिजनेसमैन हो, तो जो टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिया है वो अब आप दोबारा नहीं दोगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनपुट मेरे लिए फायदे का काम कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, इनपुट मेरे लिए फायदे का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इनपुट क्योंकि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, तो इसीलिए इनपुट GST बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होता है। तो ध्यान रखना, इनपुट GST आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है, और आउटपुट क्या है, जो आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है सरकार को देना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है, ये आपकी क्या होती है बच्चों, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों, हमारे पास GST के 3 मेन केसेस बन सकते हैं, आउटपुट जो आपको गवर्नमेंट को देना है, इनपुट जो आप ऑलरेडी दे चुके हो। अगर ये बराबर आ जाए कि मैं 50 पहले ही पे कर चुका हूँ, मुझे 50 देना है, तो इस केस में मुझे कोई भी GST पे नहीं करना, इस केस में मुझे कोई भी GST पे नहीं करना। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट कम हो, इसका क्या मतलब है, आउटपुट ज़्यादा का मतलब कि मुझे गवर्नमेंट को देना है 50 और मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ 40, तो 10 जो बचेगा वो आपको पे करना होगा, बैलेंस टू बी पेड। तो ये आपकी बच्चों लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है। और अगर आपका आउटपुट कम हो और आपका इनपुट ज़्यादा हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी ज्यादा दे चुके हो, आप ऑलरेडी ज्यादा दे चुके हो और आपको पे कम करना था, तो यहां पे आपका ऑलरेडी प्रीपेड है, तो ये आपके लिए एसेट बन जाता है बच्चों, ये आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। तो आउटपुट बराबर इनपुट है तो कोई GST नहीं देना, आउटपुट ज्यादा है तो GST देंगे, लाइबिलिटी में जाएगा,
और आउटपुट अगर कम है तो आपका वो एसेट है। ठीक हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो दिस इज हाउ इनपुट आपको हेल्प करता है। मैं जितनी बार जीएसटी पे कर रहा हूँ वो मेरा इनपुट टोटल 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 होता रहेगा। जब भी लास्ट में टोटल आउटपुट बनेगा कितना पे करना है, आउटपुट में से इनपुट माइनस करो, बैलेंस पे करो। ठीक है, इसको हम सेट ऑफ मैकेनिज्म या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे एडजस्ट करा जाता है वो बोलते हैं। सही है जी। अब जीएसटी के कौन कौन से स्लैब्स होते हैं या कहां कहां कितना कितना परसेंट जीएसटी लगता है? सबसे पहले 0% लगता ही नहीं है, जो नेसेसिटीज है उन पर कोई जीएसटी नहीं होता। उसके बाद सरकार ने बोला 5% लगाएंगे, कुछ चीज़ों पे 12% लगाएंगे, कुछ चीज़ों पे 18% लगाएंगे, और मैक्सिमम जीएसटी जो हमारे देश में लगता है वो है 28% पर एनम। मैक्सिमम जीएसटी कितना लगता है? 28% पर एनम। तो 0% हो गया, सही है, इसमें पर एनम की तो जरूरत ही नहीं है, साल का थोड़ी ना लगा रहे हैं। 0% हो गया, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया, इस अलग अलग रेट से जीएसटी लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरीके का हो सकता है। सबसे पहले होता है बच्चों सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, फिर होता है आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी वो है बच्चों जीएसटी का हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, मोदी जी के पास। एसजीएसटी बच्चों वो हिस्सा है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, मैं यूपी में हूं तो योगी जी के पास जाएगा। आईजीएसटी वो हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर ये इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड का मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्सचर। तो बच्चे अगर आप कभी भी सेम स्टेट में सेल करते हो, सेम स्टेट में सामान बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी में बैठा हूँ तो यूपी से यूपी, यूपी में सामान बनाया, यूपी में ही सामान बेचा, पंजाब से पंजाब, हरियाणा से हरियाणा, उत्तराखंड से उत्तराखंड, सेम स्टेट, बिहार से बिहार, राजस्थान से राजस्थान, सेम स्टेट। तो जब भी आप कोई माल बेच रहे हो सेम स्टेट में, जहाँ पे सेलर और बायर दोनों सेम स्टेट में बैठे हैं, वहाँ पे बच्चों जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इसका मतलब अगर 18% जीएसटी लगा तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा कि भैया तुम लोग आधा तुम रख लो, आधा हमें दे दो। अगर 28% लगा तो 14%, 5% लगा तो 2.5%। तो अगर सेम स्टेट में हो रहा है तो आप देखोगे वहां पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा हुआ होगा, यानी आधा सेंटर को जाएगा आधा स्टेट को जाएगा। वहीं पे अगर डिफरेंट स्टेट्स हों, डिफरेंट स्टेट्स का मतलब अलग अलग जगह पे माल बेचा गया है, कि आप यूपी से हरियाणा में माल बेच रहे हो या पंजाब से राजस्थान में माल बेच रहे हो, तो अगर इस तरीके से स्टेट चेंज हो रहा है तो फिर लड़ाई हो जाएगी कि कौन रखेगा जीएसटी, सेंटर रखेगा या स्टेट रखेगा, या कौन सा स्टेट रखेगा, यूपी रखेगा या हरियाणा रखेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर बच्चों डिफरेंट स्टेट्स में होता है तो सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ से मेन बात बस समझने वाली ये है कि जब भी सेम स्टेट होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, डिफरेंट स्टेट्स होंगी तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी टोटल होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, और सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो दिस इज हाउ जीएसटी इज एप्लीकेबल। आज हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करा, स्लैब्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करा, जीएसटी क्या है, कैसे लगता है, कैसे सेट ऑफ होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करी। कल की क्लास में मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज कराता हूँ और जीएसटी हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ चला जाएगा। आज वाले पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, कल वाली क्लास में मैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।